हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब गाइस? बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है हमारी आप लोगों के पास, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ मोबाइल के प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसके लिए वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो अब से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो आज यहाँ वो टॉपिक है कि बच्चेदानी का अगर मुँह बाहर निकल जाता है तो उसको अंदर कैसे करें और इसका समाधान क्या है। इस टॉपिक पर हमें कमेंट्स आया था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना महिलाओं को, ये प्रॉब्लम तभी होता है जब वो डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। तुरंत नहीं देखा सकता है, साल, दो साल, तीन साल, चार साल के बाद, या फिर जब उम्र धीरे धीरे ढलने लगती है तभी प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, या फिर शरीर में काफ़ी ज़्यादा जब वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो, खून की कमी हो, तभी ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो यहाँ पे आज ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें आप लोग को बताने वाले हैं, जिन भी माताओं को, जिन भी बहनों को प्रॉब्लम है, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आप लोग को बता देते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें अगर ज़्यादा बल पड़ जाए, जब जैसे रिलेशन के समय जब ज़्यादा बल पड़ जाता है, या फिर ज़्यादा भारी भरकम कोई काम करो ज़्यादा, पर जैसे कि सीढ़ियाँ, छत पे चढ़ना उतरना ज़्यादातर अगर करना हो, या फिर आपको ज़्यादा पैदल कहीं चढ़ना हो, या फिर आप कोई जैसे कि मेहनत का काम कभी अगर ज़्यादा करना पड़ जाए, हमेशा अगर मेहनत का काम करना हो, तो ऐसे में भी वो जो बच्चेदानी का मुँह बाहर निकलने का चांस बना रहता है। तो आज यहीं पे हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन उस उपाय को बताने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस उपाय से, मतलब कि इस उपाय को करने से पहले आप खुद की सेहत पर भी थोड़ा सा फोकस करें, कि उपाय से तो आपको राहत मिलेगा, लेकिन कुछ अगर आप अपने आप में परिवर्तन करोगे तो उसे भी कहीं ज़्यादा बेटर आपको महसूस होगा। जैसे कि आप ज़्यादा भारी भरकम काम ना करो, अपने औकात से, अपनी हिम्मत, जितना आपका शरीर आपको इजाज़त देता है करने के लिए उसी हिसाब से आप काम किया करो, थोड़ा रिलैक्स करो। इस समय में ज़्यादा भारी भरकम काम करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा आपका जो प्रॉब्लम है और भी बढ़ सकता है। दूसरी बात कि आप अपने खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करो, यानी कि ज़्यादा तीखा, तेल मसाले, मांस मछली और तला भुना, इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करके आप हरी साग सब्जियाँ का सेवन करें। हरी साग सब्जियों का सूप बनाकर पिएंगे, फल फ्रूट्स खाएंगे, और मतलब कि ताज़े फलों का जूस पिएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि सुबह सुबह जब सो के उठते हैं, सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपको नंगे पैर, कम ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 मिनट, इतना ही बस आपको नंगे पैर चलना है बिना चप्पल के, वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगला ये है कि आपको पानी भरपूर पीना है। सुबह अगर आपको नॉर्मल पानी पीने में कोई प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसे लेडीज़, बहुत सारे ऐसे जेंट्स लोग हैं जो को नॉर्मल पानी पीने में जैसे कि पेट में हल्का सा चुभन जैसे होने लगता है, तो आप कोई बात नहीं, हल्का सा गर्म करके उसको पी सकते हैं, उसमें जैसे कि नमक वगैरह थोड़ा सा डालकर पी सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान चीज़ होता है जो कि सुबह गर्म पानी पीना, तो आप इसको भी ले सकती हैं अपनी इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। अब अगला पॉइंट जो बता रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जब यूरिन करने जाते हैं, यूरिन, या फिर जब मल त्यागने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे कि अगर नहीं हो रहा है, यानी कि महसूस हो रहा है, आप बाथरूम में गए वहाँ पे नहीं हो रहा है और आप बल लगा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको बच्चेदानी बाहर निकलने का चांस रहता है। आप मतलब कि बल लगाओगे तो नीचे की तरफ जाएगा ना, तो जब नीचे की तरफ ज़्यादा बल लगाओगे तो आपका बाहर निकलने का चांस बना रहता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है शरीर पर, इस बात को ध्यान देना है। गए बाथरूम, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ चले आ, जब दोबारा लगेगा तो चले जाना, लेकिन ज़्यादा बल प्रेशर नहीं देना है, इस बात को नोटिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली बात ये है कि अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ रहे हो तो इस तरीके से उठ कंधे की आपको बैठना है, यानी कि जो दोनों पैर होता है सीधे उसी के बल पर नहीं बैठना है, इससे भी आपको उस प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यानी कि फिटकरी का पानी गर्म कर ले, या फिर अजवाइन डालकर 1 चम्मच 2 चम्मच अजवाइन डालकर पानी को खूब खौला ले, अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसी थोड़ा गर्म रहे, मतलब हल्का गुनगुना रहे, तो उसी पानी से कॉटन का कपड़ा या कापूस ले, उसी पानी से अपने उस प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सेकें, भाप दें, या फिर उससे धोएं, इससे आपके उस जो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है, या फिर खुजली है, दर्द है, या फिर मतलब कि जो बाहर निकल रहा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा आपका मदद करेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही मेन उपाय है, यानी कि ये आपके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है, वो होता है मेथी। मेथी का उपाय आप कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जियों में तो हमेशा तड़का लगता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको रोज़ाना 1 चम्मच मेथी लेना है, उसको अच्छे से साफ कर लें, पीने वाले पानी में रात के समय 1 गिलास पानी में उसको भिगा दें, सुबह उसी को बासी मुँह खाकर वो पानी पी जाएँ। पहला उपाय इसको रोज़ करना है, 1 महीना 1.5 महीना 20 दिन जितना दिन आप कर सकते हैं करिए, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा ही फायदा, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
दूसरा फायदा ये है, आप मेथी का लड्डू बना के खा सकते हैं। मेथी का लड्डू भी बनाने के कई सारे तरीके, तो इसमें काजू बादाम मेथी तीसी और इसमें शक्कर या फिर गुड़ मिलाकर, आप इसमें घी मिलाकर इसका लड्डू बना सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेटर रहेगा, खासकर जो मेथी का लड्डू आपके उस प्राइवेट पार्ट के अंग को अंदर डालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इससे कई सारे हमारे अंदर पोषक तत्व, कई सारे विटामिन, आयरन होते हैं, जो कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है या फिर और भी किसी भी चीज़ का कमी, तो इन सारे चीज़ों का जब मिक्स करके जब आप लड्डू बनाकर इसका खाते हो रोजाना सुबह बासी में, रोज आपको प्रतिदिन एक लड्डू खाना है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया कि अजवाइन या फिर जो फिटकरी, इसका भाप अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को देते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, आपके उस प्राइवेट पार्ट में कसाव लाएगा। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है जब हमारे प्राइवेट पार्ट में जब ढीलापन ज़्यादा हो जाता है, तो ढीलेपन की वजह से भी वो जो बच्चेदानी कम हुआ कभी कभी बाहर निकलने का चांस बना रहता है। तो आई होप कि हमने जो छोटा सा जानकारी आपको दिया है, वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें से जो भी हमने आपको चीज़ बताई आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो हमेशा, ताकि हर कंटेंट का वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँ तो हमेशा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारे वीडियो को देखें और आप इससे कुछ सीखें, ताकि खुद का इलाज अपने से घर बैठे कर सकते हैं। सीखें और सिखाएं, वीडियो को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।